Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं सुलेखा अरफात, सुलेखा's किचन से. आई होप आप सब ठीक होंगे. मैं भी अलग अकर मैं आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ. सो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ मटन बिरयानी. मैं वैसे पैकेट के मसाले की बना रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, घर का मसाला भी जो बिरयानी का है वो मैं घर पर बनाकर भी रखती हूँ. तो अगर आपको होममेड रेसिपी चाहिए मसाले की, बिरयानी मसाले की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ आपके लिए, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा. लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बाजार का जो मसाला आता है पैकेट का उससे बनाती हूँ, क्योंकि मैं लगातार हर फ्राइडे, आप बोल सकते हैं, मैं हमारे यहाँ बिरयानी तो बनती ही है और वो भी मटन बिरयानी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की शुरू करते हैं. चलिए, ये थोड़ी सी प्रिपरेशंस मैंने की है. ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, लंबी लंबी बारीक कटी हुई है. ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसकी छील निकाल के मैंने बारीक काट लिया है. वो पैकेट का मसाला जिसका आज मैं बिरयानी बनाने वाली, बॉम्बे बिरयानी. और ये है आलू. तकरीबन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो डालें आलू. तो मैंने लिए हैं 3-4 आलू, छील निकाल के 1-4 पीस किए. और ये है गोश्त, तकरीबन 3/4 केजी, आप चाहें तो 1 किलो तक भी ले सकते हैं. मैं कुकर में बना रही हूँ तो इसके लिए डायरेक्टली कुकर से ही स्टार्ट कर रही हूँ. तेल डालिए, मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं. इसके अंदर ये जो पहले, सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं आलूओं को, तो जो पानी डाल के रखा था आलूओं में वो निकाल कर फेंक दीजिए. और इसमें नमक डाल दीजिए आलूओं के ऊपर, अच्छा मिक्स कर इस पर डाल दीजिए गरम गरम तेल के अंदर. चूल्हा मीडियम कर लीजिए और इसे पकने दीजिए आलूओं को. तब तक पकाएं जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते. लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए. बार बार चलाते रहिएगा. हाँ, ये देखिए, ये हो गए आलू, इसे साइड पर रख दीजिए. ये सारी प्याज यही तेल के अंदर डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए. आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज नहीं हो जाती. बार बार चलाते रहिएगा प्याज को. कुछ मिनटों में तो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं. ये चर्बी निकाला हुआ गोश्त है, 2-3 पानी से धो के मैंने साइड पर रखा था. जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये गोश्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए. और इसके साथ साथ टमाटर भी सारे डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए, क्योंकि प्याज ज़्यादा और लाल ना हो जाए ना, बस यही ख्याल रखना है. इसके साथ साथ अब डाल दीजिए 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो पैकेट का मसाला है वो सारा इसमें डाल दीजिए और डालकर एक बार चला लीजिए. अब इसमें गाढ़ी फेंटी हुई दही डाल दीजिए, तकरीबन 1 कप, और इसे भी मिक्स कर लीजिए और फास्ट आंच पर पकने दीजिए. बार बार चलाते रहिएगा, तकरीबन 7-8 मिनट तक इसे पकने दीजिए. सो दैट दही भी अच्छी पक जाएगी, थोड़ा मसाला भी अच्छा इन्फ्यूज़ होगा मटन के अंदर. और जब तकरीबन 7-8 मिनट हो जाए तो मैं 2 कप पानी डाल देती हूँ, आप चाहें तो 1.5 कप भी या 1 कप भी डाल सकते हैं, ये चाहे आपकी मर्जी है. मैं 2 कप डाल रही हूँ. इसे डालकर फास्ट आंच तो है ही, अब इसे एक बार चला लीजिए और कुकर का ढक्कन ढक दीजिए, वो रबर लगा लीजिएगा कैस्केट, और फिर ढक कर इसे तकरीबन 2-3 सीटी में फास्ट आंच पर खिला लेती हूँ. जब 2-3 सीटी हो जाए स्लो आंच पर, तकरीबन 10-12 या 15 मिनट तक इसे पकने दीजिए स्लो आंच पर. चलिए, मैं 15 मिनट रहने दी थी, चूल्हा बंद कर देती हूँ 15 मिनट के बाद. और अच्छा ठंडा हो जाए तो एक बार चेक कर लीजिए. और ये देखिए, गोश्त प्रॉपरली गल चुका है. अब यहाँ ये कि मैं हल्का सा पानी सुखाना चाहूँगी. अब ये आपके ऊपर है, आपको ज़्यादा वो मसाला लगी हुई ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा मत सुखाइए. जैसे मैं अभी थोड़ा सा ही सुखा रही हूँ, समझिए ना, 1-1.5-2 मिनट तक ही मैंने इसका पानी सुखाया है फास्ट आँच पर. फिर चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद. आप चाहे तो ज़्यादा भी सुखा सकते हैं. और ये जो बिरयानी की पतीली ली मैंने, और ये सारा सबसे पहले तो ये मटन के साथ पूरा मैंने मसाले के साथ डाल दिया है. आप देख सकते हैं हल्की हल्की ग्रेवी टाइप है ना, तो मुझे थोड़ा सा मसाले वाली अच्छी लगती है. अब आलूओं को डाल दीजिए सारा चारों ओर फैलाते हुए सब जगह. अब आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है. मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ. आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो बिरिस्ता भी डाल सकते हैं इसके ऊपर. ये है तकरीबन, समझिए ना, 750 ग्राम चावल. आधे घंटे पहले मैंने भिगा के रखा था, उसके बाद आधे घंटे के बाद इसे मैंने बॉईल करके, छान करके नितार कर साइड पर रख दिया. ये सारा ऊपर जमा दीजिए. अब इसके ऊपर डाल दीजिए 1 कप दूध, चारों ओर फैला कर डालिएगा. आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं. अब इसमें डाल दीजिए, मैंने फूड कलर केसरी वाला लेके बीच में डाला है, आप देख सकते हैं. थोड़ा सा पुदीना और कोथमीर डाल दीजिए, मैंने सिर्फ कोथमीर डाला. और ये बिरिस्ता है, ये भी डाल देती हूँ. चूल्हा मैंने स्लो आंच पर चालू कर दिया. और 2-4 टेबलस्पून असली घी के चारों ओर पे डाल दीजिए, या फिर आप तेल भी डाल सकते हैं.
अब मेरी पतीली मोटी नहीं है तो मैं थोड़ा सा पहले तवा मैंने फास्ट आंच पर अच्छा गरम कर लिया। अच्छा गरम हो गया तो ये पतीली उसके ऊपर रख दीजिए, चूल्हा स्लो आंच करके इसे ढक कर ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और तकरीबन 15-20 या 25 मिनट तक इसे दम पर इसी तरीके से रहने दीजिए। अच्छा आपकी पतीली मोटी हो तो फिर नीचे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, समय भी थोड़ा कम ही लगेगा, 15-20 मिनट ही रहने दीजिएगा। चलिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा मैंने कर दिया बंद और मैंने जो तवा था वो भी साइड पर रख दिया और उसके 10 मिनट के बाद फिर यहाँ पर मैं अभी खोल रही हूँ पतीली। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी बढ़िया बन चुकी है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मसाले वाली चाहिए थी इसके लिए मैंने नीचे से तवा हटा दिया था और उसके 10 मिनट के बाद मैंने ये खोला है। अच्छा अब आप चाहें तो हमारी ये गर्मा गर्म मटन बिरयानी को किसी भी रायते के साथ सर्व करें, तो है ना मज़ेदार आज की बिरयानी हमारी। अच्छा वैसे मैंने कुछ बिरयानीज की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये मैंने रायते के साथ सर्व किया है जैसे आप देख सकते हैं, और ये गर्मा गर्म मेरी बिरयानी है रेडी, सर्व कर लिया है मैंने, खाने के लिए रेडी है हम। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको थोड़ा अच्छी लगी हुई ये रेसिपी तो लाइक जरूर कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये वाले वीडियो के। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।